नमस्कार, मैं रोशन हूँ। और आज बीजेपी ने कांग्रेस के लिए अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी किया है। कल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने 7 वायदे किए हैं और उन्होंने फ्रीबीज की बात कही है। आज जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने भी फ्रीबीज की बात कही है। लेकिन कांग्रेस जो बीजेपी है वो अपने फ्रीबीज को फ्रीबीज नहीं मानती है। वो कहती है कि हम तो गंगा नहा रहे हैं, बाकी जो कर रहे हैं वो सब पाप कर रहे हैं। उसी पर आज हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्री। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, उन्होंने कहा हम 2100 रुपये देंगे, जो लाडो लक्ष्मी योजना है। कांग्रेस ने कहा था हम 1500 रुपये देंगे, तो इन्होंने कहा हम 2100 देंगे। और कांग्रेस ने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। तो आज बीजेपी ने भी कह दिया कि हम भी 600 रुपये गैस सिलेंडर फ्री देंगे। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इशू है हरियाणा में, वो है अग्निवीर योजना। तो बीजेपी ने कहा कि हम सभी अग्निवीरों को, जो भी रिटायर आएगा उसको सरकारी नौकरी की गारंटी देते हैं। कैसा देखते हैं आप इनका जो घोषणा देखिए, पत्र क्या है? है ना कि पिछले कुछ समय से देश के राजनीतिक दलों को इस बात की लत लग गई है कि जन कल्याण के नाम पे तमाम लोग लुभावन ऐसी योजनाएं की जाती हैं और उससे मतदाता को मूर्ख बनाया जाता है। मतलब एक तरीके से ये लालच देकर हाँ वोट खरीदने की कवायद है बिल्कुल। और इसमें कोई भी दल पीछे नहीं है, क्योंकि अब सबको इसका चस्का लग चुका है। असल में पहले भी हमारे, होता रहा हाँ था, इससे पहले भी ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन तब क्या होता था कि सिंचाई के बिल माफ़ कर दिए, बिजली का बिल माफ़ कर दिया, किसानों की कुछ कर्जा माफ़ कर कर्जा दिया। माफ कर दिया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, इनको आप जन कल्याण की उसमें रख सकते थे। लेकिन अब जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि साहब हम नगद आपको 2000 रुपये विधवाओं को देंगे, विधवा महिलाओं को देंगे या बुजुर्ग महिलाओं को देंगे, या हम प्लाट देंगे, या हम जो है 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, हम इसमें इतना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सवाल ये है कि देखिए, विपक्ष में जो है उसको उसके बादों को तो जनता कसौटी पर रखने की कोशिश करती है एक बिल्कुल, बार। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार थी, तो आप कितना भी उनको ये फ्री बीज वाली चीज़ें कर लीजिए, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उनको लुभावने के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सवाल मतदाताओं के मन में ये आएगा कि 10 साल तक आपने ये सब क्यों नहीं किया। यही सब काम आप, जब आप कह रहे हैं कि हम सिलेंडर 500-600 रुपये में दे देंगे, हम अग्निवीर के जो भी अग्निवीर से आएगा उसको हम सरकारी नौकरी दे देंगे, तो 10 साल तक आप क्या करने क्या वाले कर रहे हैं। थे? बिल्कुल, ठीक है ना, हाँ तो ये सबसे पहला सवाल होगा और सब ये जनता के मन में भी उठेगा, मतदाताओं के मन में भी उठेगा और ये विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाएगा, तूल बनाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, विपक्ष तो ये कह देगा कि हम तो सरकार में थे नहीं, हमको एक मौका दीजिए, हमने जो वादे किए हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और वो उनके लिए कांग्रेस जो है, अपने जो हिमाचल है, हरियाणा है, कर्नाटक है, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ के नाम, तेलंगाना है, तो वहाँ के जो उन्होंने जो किए वादे किए और उन गारंटियों को उन्होंने जो पूरा करने को की शुरुआत की है, तो उनका उदाहरण देकर कह सकती है कि भाई हम यहाँ पर जो है आपके लिए भी इसी तरीके से इसी तर्ज पे करेंगे, जैसे हमने हिमाचल में किया, जैसे हमने कर्नाटका में किया और डॉक्टर जैसे हमने साहब तेलंगाना में किया। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन भाजपा के सामने समस्या इस बात की, इसका जवाब नहीं होगा अगर कि किसी मतदाता के मन में ये उठता है या विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है कि आप 10 साल तक क्या करते रहे, अब हम आपके पास वादों पर कैसे एतवार करें। तो मुझे लगता नहीं कि फ्री बीज का कोई बहुत असर होगा। देखिए है क्या, हरियाणा के चुनाव में लोगों ने एक मन बना लिया और हर जगह हर चुनाव की यही एक स्थिति होती है कि एक मन बना लेता है मतदाता मतदान से पहले, तो बिल्कुल, वहाँ एक मन बना लिया है कि सरकार को हाँ अब रास्ता दिखाना है। कि वहाँ कुछ है। लेकिन आप डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, बगल में हिमाचल है, जो कांग्रेस ने घोषणाएं की थी, हाँ वायदे किए थे कि ओपीएस देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, फिर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये सब उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन उनके घोषणा के 2 साल के अंदर ही जो हिमाचल है उसकी हालत खस्ता हो गई है, वहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। कर्नाटक की भी यही हालत हो गई है कि वहाँ मुद्रास्फीति इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वहाँ उनको टैक्स लगाने पड़ रहे हैं बिजली उस पर, आपके पेट्रोल और डीजल पर एडिशनल, ताकि वो जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई कर सके। तो आपको ये नहीं लगता कि चाहे पार्टी को भी हो, जैसे हमने कहा कि दोनों ने, कांग्रेस ने भी उतने ही फ्रीबीज की बात की जितने बीजेपी ने कही है, तो ये संस्कृति गलत है और संस्कृति में सुधार की ज़रूरत है, नहीं, या कि ये जो हमारी जनता है वो उन्हीं को समर्थन दे रही है जो फ्री की बात कर रहे हैं? जैसे दिल्ली में केजरीवाल, इन्होंने जो संस्कृति की शुरुआत की कि फ्री दे दो, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, और उसके कारण क्या हुआ कि इनकी देखा देखी बाकी जगह हो रहा है। तो दिल्ली में तो, चूंकि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ बिजनेसमैन रहते हैं,
तो इतना यहाँ टैक्स देते हैं वो लोग कि दिल्ली सरकार का को घाटा नहीं होता है, वो जितना भी खर्च करें सब काम चल जाता है। लेकिन बाकी राज्यों की तो परिस्थितियां दूसरी भाई हैं, देखिए क्या है ना, ज्यादातर राज्य पहले से ही कर्ज में डूबे कर्ज हुए में हैं, डूबे हुए। ठीक है ना। और चुनाव जीतने के नाम पे, मैंने पहले ही कहा कि चुनाव जीतने के नाम पे किसी भी तरीके से इन केन प्रकारण इन सत्ता हथियाने के नाम पे उस समय राजनीतिक दल इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे हमारे पास इतना, मतलब जिस तरह कुछ तो ऐसे वादे होते, कुछ ऐसी गारंटी होती कांग्रेस की भी हो तो भाजपा की भी, आप ये समझ लीजिए कि जिन्हें पूरा ही नहीं किया जा सकता है। अगर हाँ उन्हें पूरा किया जाएगा, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके की गारंटी की थी महिलाओं के लिए, हर महिलाओं के लिए इतना इतना पैसा हाँ देंगे, 50-100 रुपये देंगे हर महीने, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि पूरा बजट आपका खाली हो जाता है। बजट से ज़्यादा, बजट हाँ तो मैं हमारा भी बहुत कह कम रहा है। हूँ। हाँ तो कुल मिला के कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि, और उस समय ये बेसिकली क्या है, जिस समय ये वादे करते हैं उस समय इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, और जनता पे फिर वही बोझ जो है वो जनता पे रही पड़ता है अल्टीमेटली आकर। इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ पर न्यायालय ने भी, कोर्ट ने भी कई बार इन चीज़ों पर कहा है कि भाई इनको चेक किया जाए, लेकिन अब राजनीतिक दल तो अपनी सुविधा के अनुसार से रास्ता निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये जनकल्याणकारी योजनाओं के वादे किए जा रहे, फ्री बीज है ही नहीं। आप दूसरे की, दूसरा जो दे रहा है वो फ्री बीज है, हाँ हम जो लेकिन दे रहे हम जो दे हैं रहे हैं वो वो जन जन कल्याण कल्याण कर है। रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी कर रहे हैं, सामाजिक वो कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो मतलब इस तरीके की चीज़ें। लेकिन कुल मिला के ये जो संस्कृति पनपी है पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर, ये केजरीवाल की ठीक देन है है मुझे ना, लगता नहीं है। केजरीवाल की देन है, और उससे पहले भी लोग करते थे नहीं लेकिन पर कम पहले करते तो थे, कर्जे लेकिन उर्जे हाँ माफ कर दे थे। केजरीवाल ने बाकी हाँ और दलों को ये रास्ता दिखा दिया या कि फ्री दो, फ्री और बिजली, फ्री पानी और फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य के नाम पे जो है आप मतदाताओं को एक तरीके से, मैं हम तो इसको खरीदना ही कहेंगे कि बिल्कुल। खरीदते रहते हैं। तो अच्छा ये वैसे मतदाताओं को जागरूक होने की ज़रूरत है, बेसिकली उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप ये देखिए कि बजाय इसके ये देखिए कि किस पार्टी की नीतियाँ ठीक हैं, किस पार्टी के कैंडिडेट ठीक हैं, और किस कौन पार्टी जो है राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए बेहतर विकल्प दे सकती है, ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अब एक चीज़ बताइए कि हिमाचल में जो जो हरियाणा में चल रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटें हार गई थी, उनका वोट परसेंटेज तो कम नहीं हुआ था लेकिन सीटें कम हो गई थी, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा और सीटें बढ़ गई। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि कांग्रेस के अंदर का जो झगड़ा है वो सरफेस आ गया, वो धरातल पर आ गया है, और शैलजा अब चुनावी जो कार्यक्रमों से दूर हो गई है और केवल अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो साथी हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए। आपको लगता है कि जो आपस के मनमुटाव है इन दोनों में, बल्कि सुरजेवाला भी एक थर्ड वहाँ कॉर्नर है, सुरजेवाला तो तो ऐसा शैलजा नहीं के, लगता कि वहाँ जो एक माहौल बन रहा है कांग्रेस के फेवर में कहीं उसको नुकसान करेगा? देखिए क्या ना, असल में कांग्रेस के नेता जो है वो अति आत्मविश्वास में आ गए हैं, है ना। जो एक हवा बह रही है, लहर बह रही है, उसके हिसाब से, और जो जनभावनाएं वहाँ पे हैं, तो एक अति आत्मविश्वास में है। दूसरे क्या है कि उसी महत्वाकांक्षा के चलते कि हर आदमी सीएम बनने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार है कि वो किसी भी तरीके से ये जो मतभेद है सतह पे ना आए, और ज़्यादा ना आए, और इनका खामियाजा ना भुगतना पड़े, उसका सब जो है वो अपना, जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल की पूरी तैयारी चल रही है और उसको किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब अब दूसरा जो हमारे पास सवाल है कि आज जेपी नड्डा ने खड़गे जी को पत्र लिखा और कल ही खड़गे जी ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जो आपके नेता खासकर जो रवनीत बिट्टू हैं उन्होंने जो राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की और भी नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की, तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लो, राहुल गांधी पर इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कि उसका रिएक्शन, नड्डा ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद मध्य प्रदेश में और कुछ और राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ FIR करने की बात हो गई। तो आपको नहीं लग रहा कि जो हमारे देश की राजनीति है उसकी जो जो नफरत की राजनीति है वो सिर चढ़कर बोल रही है? देखिए ये बहुत ही खतरनाक संकेत है, मैं बताऊँ आपको, जिस तरीके से चीज़ें ये चल रही हैं, है ना। और ये मतलब अगर आप अतीत देखा जाए तो ये भाजपा का और संघ का एक ये अतीत रहा है कि जैसे ही कोई लोकप्रियता की तरफ कोई आदमी बढ़ना चाहता तो उसे डैमेज करने के लिए इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता। और ऐसा ही एक माहौल आपको याद हो कि उस समय महात्मा गांधी को लेके बनाया गया, तो अंततः क्या हुआ कि उनकी हत्या हुई, ठीक है ना। वो विचारधारा को आगे आगे बढ़ाया जाता है, इसी तरीके की एक विचारधारा जो है वो इंदिरा गांधी के ज़माने में हुई थी, तो उस विचारधारा में धीमे धीमे वो विचारधारा बढ़ी और उसका नतीजा क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ठीक है ना। तो जिस तरीके का इस समय माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को कम से कम अपने नेताओं और वो भी केंद्रीय मंत्री के स्तर के व्यक्ति, नेता विपक्ष के लिए फिर इतनी शालीनता होनी चाहिए राजनीति में कि एक दूसरे के लिए मर्यादा बिल्कुल को ना तोड़ें,
ठीक है ना, शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि राजनीति हम अच्छा नहीं लगे। अभी आलोचना करनी है तो आलोचना आलोचना के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरीके से किसी एक नेता विपक्ष को आप जो है, और उस परिवार के उस व्यक्ति को, नेता को जिसने अपने परिवार में दो दो लोगों को देश के नाम पे खोया है, उसको आप आतंकवादी बता के आप क्या कहना चाहते हो, और बराबर रिपीट कर रहे हैं वो, तो बजाय इसके कि उनको रोकने की ज़रूरत है, उनको रोका नहीं जा रहा, बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस तरीके की चीज़ें और की जा रही है। भाजपा के कई नेता इसमें और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं आप देखें जो महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना के एक विधायक दिए जो है वो जवान काट के और ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये देखें कि तो ये जो नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी है उन्होंने उस चिट्ठी में जस्टिफाई किया है कि ठीक कर रहे हैं राहुल गांधी वाले। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि और इस पर देखिए, इस पर ये चिंता की बात है, क्योंकि इस परिवार के दो दो व्यक्तियों की इसी तरीके से नृशंस हत्या हुई। बिल्कुल हाँ, तो अगर मतलब एक जो माहौल बनाया जा रहा है, अगर उनको आतंकवादी, उनको देश विरोधी, उनको राष्ट्र विरोधी का एक नैरेटिव उनके खिलाफ जो चलाया जा रहा है, और वो उसमें भाजपा के बड़े नेताओं की सह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अब ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो एक जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है इससे एक जो माहौल बनेगा ना, उस माहौल में कोई कभी बड़ी घटना ना हो जाए इस बात की आशंका भी, और इसका डर कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है। और राहुल गांधी की बहन प्रियंका ने यही कही है कि भाई हमारी भाई की जान का खतरा है, इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है। अगर मतलब एक आदमी पे ये थोप दिया जाएगा ये आतंकवादी है, राष्ट्रवादी है, तो बहुत से यहाँ सिरफिरे लोग घूम रहे हैं। हाँ हाँ, कोई भी घटना हो सकती है, और ऐसे ही सिरफिरे ये सब चीज़ों को करते हैं जिनको ABCD पता नहीं होती पूरे माहौल की, लेकिन उनको वो माहौल में बह जाते हैं। तो वो जो ये नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके की चीज़ें हो रही, इस पर मुझे लगता है कि PM को एक कदम आगे आके, PM नहीं है, गृहमंत्री अमित शाह आए और अपने नेताओं को या JP नड्डा को खुद रोकना चाहिए। रोकना चाहिए नड्डा, उसको जस्टिफाई कर, आप जस्टा उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिएगा कि मतलब राज्यसभा में नेता विपक्ष, देश के बुजुर्ग राजनीतिज्ञों में से एक, लंबा खासा उनका राजनीतिक अनुभव, एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पत्र किसको लिख रहा है? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो जवाब खुद दे दें और अपने अध्यक्ष से जो है जवाब दिलवा रहे, ठीक है ना। और नेहरू जी के बारे में आप तमाम बातें करते थे, नेहरू जी के पता है, नेहरू जी को कोई भी पत्र लिखता था, नेहरू जी खुद अपने आप से उसका जो है जवाब देते प्रधानमंत्री के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर बहुत मतलब संयम की ज़रूरत है दोनों तरफ से। और हो क्या रहा है कि देखिए, आप कांग्रेस भी जो है उत्तेजित हो रही है, माहौल खराब हो रहा है देश का, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तेजित हो रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, उधर FIR का भी एक खेल शुरू हो गया है, ठीक है ना, कि वो उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं। तो ये देश की, देखिए देश की राजनीति के लिए बहुत शुभ नहीं है, और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अपना खाली पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए या एक फ़ायदा उठाने के लिए ये एक व्यक्ति की छवि को, पहले क्या हुआ, देखिए पहले कोशिश की गई राहुल गांधी की छवि को, राहुल को पप्पू बना दिया गया। बिल्कुल, जब वो उस छवि से ऊपर उभर के आ गए और उनका, उनके प्रति लोगों में एक उम्मीद की किरण लोगों को दिखाई पड़ने लगी, लोग उनको मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में देखने लगे, लोग उनको देखने लगे कि एक ऐसा नेता है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, आम आदमी के बीच में जाता है, आम आदमी से अपना सीधा कनेक्ट करता है, आम आदमी की समस्याओं को अपने साथ लेके चलता है, तो उस व्यक्ति की अब मतलब आप एक तरीके से चारित्रिक हत्या पे शुरू हो गए, और इस तरीके की बातें मतलब आतंकवादी आप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा देश का आतंकवादी वही है, तो मतलब शब्दों पे लगाम लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत दुखद है। लीडर अपोजिशन के साथ साथ वो इस एक राजनीतिक परिवार से हैं जिन्होंने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, 2 की हत्या हुई है, 2 की हत्या, तो कम से कम मतलब एक गरिमा और एक नैतिकता और ये सब शालीनता, गरिमा, मर्यादा, ये जो है ना, ये राजनीति आप, लेकिन आज की जो राजनीति है ना, आप पिछले 8-10 सालों से जो राजनीति का रूप हम आप सब देख रहे हैं, उसमें ये सारे शब्द मुझे तो बेईमानी से लगते हैं, मैं बताऊं आपको। और इसके लिए ऐसा नहीं कि खाली भाजपा के लोग ही जिम्मेदार, सभी हर राजनीति कांग्रेस में अब शब्द कहे जाते हैं, बड़ी शर्म आती है। तो ये इन चीज़ों पे देखिए, इन पे थोड़ा सा इन पे लगाम लगाने की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी हो, अगर बड़े नेता के खिलाफ। अब देखिए आप इसकी शुरुआत कैसे होगी, अब मैं बताऊँ आपको, आप उनके नेता के लिए इस तरीके की बातें करेंगे, वो आप PM मोदी के लिए बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अमित शाह के लिए बात करेंगे, वो JP नड्डा के लिए बात करेंगे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी राजनीति, किस गर्त में चली जाएगी और दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, इस चीज़ की चिंता ही नहीं है। तो इस चीज़ की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर रोक लगाने की ज़रूरत। डॉक्टर साहब, एक मुद्दा और है, वो है दिल्ली की, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री नॉमिनेट हुई हैं आतिशी, कल शपथ लेंगी वो, और उन्होंने अपने जो पुराने मंत्री उनको ही रखा है, एक व्यक्ति को जो मुकेश अहलावत है उनको एक नया मंत्री मिला है। डॉक्टर साहब, मैं अभी सोच रहा था,
कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कितनी मेहनत की और इस पार्टी को खड़ा किया, पाला पोषा, सीएम बने, एक डिप्टी सीएम बने, बेचारों को दोनों को जेल जाना पड़ा। और अब ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई कि उनको मुख्यमंत्री पद और डिप्टी सीएम दोनों छोड़ने पड़े, दोनों बड़े नेताओं को। अब ये पार्टी शिफ्ट हो गई है, मतलब सेकंड जनरेशन को चली गई है। और चाहे केजरीवाल अब चाहे कुछ भी कहें, कहें कि उनकी पार्टी उनकी जेबी, जो कुछ भी कहें वो, लेकिन सच्ची है कि अब पार्टी उनके हाथ से चली गई है। और ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई है, हमने इतिहास देखा है, हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी का इतिहास देखा है कि जब वो पीएम बनने का दौर था उनका, तो उनको घर बिठा दिया गया। और ऐसे हमने बीजेपी में देखा, कांग्रेस में भी देखा, जब प्रणब मुखर्जी का नंबर था पीएम बनने का, तो मनमोहन सिंह को आगे कर दिया गया। आपको लगता है कि अब इनकी जो पारिवारिक जो राजनीतिक जीवन है वो, मुझे लगता है उस पर विराम सा लग रहा है किसका? केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं, इसलिए नहीं लग रहा है कि देखिए ये टाइमिंग का फैसला है, जो जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन परिस्थितियों में ये टाइमिंग का मामला है, क्योंकि टाइमिंग ही होता है, मतलब क्योंकि स्टार्ट नहीं, टाइमिंग से होता है। इसलिए विराम नहीं लग रहा है क्योंकि देखिए अभी यहाँ चुनाव होने हैं, ठीक है, हाँ। और केजरीवाल ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है, वो मतलब पहले से ही अपने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल के रखे हुए, इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगर दिल्ली की जनता जो है हमको ईमानदार समझती है तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, उन्होंने पहले से अपने सारे रास्ते खोल रखे हुए नहीं, हैं। लेकिन जो जिस कारण तो और पद देखिए एक चीज और से समझ लीजिए छोड़ा कि है उन्होंने, वो भ्रष्टाचार के आरोप में छोड़ा गया, नहीं, जेल चले गए। आप जेल जेल चले गए उस वजह से पद नहीं छोड़ा नहीं है, नहीं क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, आप साइन नहीं करोगे, आप सरकारी काम इसका नहीं इसका करोगे। देखिए ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, वो पहले भी इसी तरीके की चीजें अपने घर से ही सारे काम करते थे, ठीक नहीं, पर है ना, पहले तो सीएम की तरह और करते थे। ये तो इंटरप्रिटेशन एक और आ रहा है आपको मैं बता दूं, एक इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि आतिशी जो है वो अब मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाएंगी, और आप वही आप मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ, जो जो इंटरप्रिटेशन जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से और उस पर एक्सपर्ट की राय भी दी जा रही है, उनका कहना ये है कि किसी भी सरकारी कामकाज को अंजाम नहीं दे पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है केजरीवाल के मामले में, केजरीवाल के मामले में हाँ तो तो आते से नहीं, केजरीवाल के मामले में ये निर्णय है कि वो किसी सरकारी कामकाज में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना अपने पद से वो भी सरकारी कामकाज का एक हिस्सा होता है अच्छा, टेक्निकल मतलब। टेक्निकली तकनीकी तौर पे, तो अभी वो मतलब ये कर ही नहीं सकते मुख्यमंत्री, तो अभी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली ही नहीं है तो आप किसी को शपथ कैसे दिलाई नहीं, पर जाएगी? वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना मुझे लगता है कि सरकारी कामकाज, मतलब कि सरकारी काम, मतलब सरकारी कामकाज का ही एक हिस्सा है कि आप इसको मुख्यमंत्री तकनीकी तौर पर कह आप सकते हो। संवैधानिक पद पर हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं ना, आप कोई घर में कोई दुकान नहीं खोले हुए, आप ऐसा नहीं कर रहे, आप संवैधानिक के पद पर हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं लिख रहे हैं, तो ये आपका मतलब एक तकनीकी पहलू है ये कि आप जो है उसमें ये भी आपके शासकीय कामकाज में ही शामिल माना जाएगा, और इस पे पेंच फंसाने की कोशिश हो रही है मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए अभी अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा मतलब सकता कल है, सुबह तक इंतजार करना होगा, हाँ इंतजार कीजिए, अभी आपको क्योंकि इसकी उपराज्यपाल, संभावनाएं देखी जा रही हैं, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है, अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है, हाँ मतलब राष्ट्रपति को तो चिट्ठी चलेगी एलजी की तरफ से, हाँ लेकिन समय नहीं आएगा कितने बजे वो शपथ लेंगे। हाँ तो वो अब ये अभी मतलब एक मैं कह रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन है ये एक तकनीकी चीज को इसको मतलब हम तक कितना इसको, किया जा रहा है, अब इसको कितना वजन है, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि क्योंकि कोई मतलब अगर वो चिट्ठी लिख के दे देते हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हाँ तो इस ये तकनीकी पहलू है, ये ठीक भी है ना, आप कह इसका सकते कौन सा हैं कि, इंटरप्रिटेशन जो है किसको सूट करेगा, किस पे काम करेगा, हाँ वो सारी लेकिन चीज़ लेकिन ये तो बीजेपी वाले कह रहे थे बार बार ना कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो, जब जेल में थे तब इस्तीफा मांग रहे थे, जेल से बाहर आए तो भी इस्तीफा मांग रहे थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया अब दे दिया, तो वो नहीं चाहते कि इनकी जगह कोई दूसरा बने, ऐसे फंसाए रखो मामले को, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ तो जाए, राष्ट्रीय शासन लागू करें तो भी करें, तभी जब हाँ वो जेल में थे तभी कर तो वही सकते वही थे। मेरा कहने का मतलब है, देखिए राजनीति के सब हथकंडे हैं ना, इन पे कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, और बाकी ये बात देखिए ये सही है आपकी, अब राजनीति का अगर कैरियर अगर ये दोषी सिद्ध होते हैं तो राजनीतिक तब तो कैरियर खत्म वैसे हो खत्म हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, और दोनों लोग ही तो एक ही नाव पे बैठे हुए हैं, सिसोदिया और हाँ वही, केजरीवाल, इसलिए तो ठीक है, सोचा सीएम तो नहीं फिर तो बनेगी। स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी इनके हाथ से निकल जाएगी हाँ अगर तो ये वो मतलब सेकंड दोषी होते जनरेशन हैं, को आगे फिर सीधी सी बात जितनी है, मेहनत इस व्यक्ति ने लेकिन ये की, तब की बात है जबकि आप जो है वहाँ से दोषी प्रूव होते हैं और आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगती है, हाँ रोक भी नहीं, मान लिया रोक ना भी लगे, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, हाँ अब लालू पे लालू रोक प्रसाद लगी यादव को ना, रोक लगी लेकिन पार्टी लालू ही चला रहे थे, हालांकि अब वो शिफ्ट करनी पड़ी, उम्र का भी तकाजा था कि अपने बेटे को उन्होंने पार्टी दे दी, लेकिन यहाँ तो केजरीवाल ने अपने घर को नहीं दी पार्टी,
तीसरे व्यक्ति को दिए, वो अपनी पत्नी को भी सीएम बना सकते थे। नहीं वो ठीक किया उन्होंने, अगर पत्नी को सीएम बना देते तो उनका आश्रय भी लालू जैसे ही हो जाता, फिर सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो जाता। और फिर जो ये त्यागवाद की जो मूर्ति लिए वो घूम रहे ना क्रांतिकारिता की, ये सारी चीजें जनता के गले उतरती नहीं, जनता समझ जाती कि आप नहीं तो वो। और दूसरे इससे एक और बड़ी चीज मैं बताऊं आपको, इस बात की पूरी संभावना थी कि आप आम आदमी पार्टी के अंदर भी इसमें दरार पड़ सकती थी, दरार पड़ सकती, ठीक है ना, कि ये तो यार अच्छा इन्होंने अपना घर की खेती बना रखी है कि भाई हम हैं और आप हमारे बाद हमारी पत्नी है, पत्नी के बाद फिर बेटी है, बिल्कुल, तो इसलिए वो मजबूरी में करना पड़ा। तो ये इशू थे जिसपे हमने आपसे बात की, अगर आपका कोई इसमें कोई अगर सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो जरूर दीजिएगा, इस पर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए नमस्कार।